हेलो एवरीवन, ये हमारी नॉर्टन थ्योरम की दूसरी प्रॉब्लम है। ये हमने एसी की प्रॉब्लम ली है, मतलब यहाँ करंट सोर्स जो है आपका वो एसी है। जब भी हम एसी की बात करते हैं तो वहाँ कैपेसिटर, इंडक्टर या इन दोनों में से किसी एक का इन्वॉल्वमेंट होता है और हम ZTH फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम के लिए फर्स्ट आपका क्या था, सबसे पहले आप क्या करते, फर्स्ट स्टेप, आप जो लोड टर्मिनल्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट करते हुए और नॉर्टन करंट फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही आप लोड टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये कैपेसिटेंस का सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपका नया सर्किट क्या बन जाएगा, और यहां से ये शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये सर्किट बन जाता है तो अब हम यहाँ पे सिंपली आईएसी फाइंड आउट करने के लिए, जो नॉर्टन करंट है आपका शॉर्ट सर्किट करंट, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली करंट डिवीजन लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं। तो करंट डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, ISC is equal to 16 angle 0 degree multiplied by opposite branch, जो कि ये है 25 divided by 15 plus 25 plus J 30। तो यहां से हम ISC is equal to 6.4 minus 4.8 J, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में, या फिर हम इसे पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप डायरेक्टली साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज को कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाके। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 एंगल माइनस 36.86 इतना एम्पियर्स। ये आपका निकल के आया है शॉर्ट सर्किट करंट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए जितने भी सोर्सेस होते हैं उनको हम उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करते हैं या उनको हम इनएक्टिव करते हैं। तो यहाँ एक करंट सोर्स है, करंट सोर्स को इनएक्टिव करने के लिए हम उसे ओपन कर देंगे तो आपका इतना सर्किट जो रहेगा वो आपका बच जाएगा। और ये है हमारे लोड टर्मिनल्स। यहां से देखते हुए हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH फाइंड आउट करना है। तो यहाँ कैपेसिटेंस हमारा फिर से कंसिडरेशन में आ जाता है। तो ये RTH, इंस्टेड इसको हम RTH ना बोलते हुए हम इसे बोलेंगे ZTH। ZTH क्यों, क्योंकि यहां इंपेडेंस होता है। ठीक है, तो ZTH फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ZTH देखा जाए तो क्या है, ये तीनों चीजें सीरीज में है तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा। ZTH इज इक्वल टू माइनस J50 पैरेलल विद 25 प्लस 15 प्लस J30, या इसको हम लिख सकते हैं माइनस J50 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस J30 डिवाइडेड बाय ये सबका सम 40 प्लस J30 माइनस J50। इसका क्या वैल्यू निकल के आ जाता है, 50 माइनस J25 ओम्स, ये आपका आ जाता है ZTH। सिंपल है। इसके बाद हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे, इक्विवेलेंट सर्किट आपका आ जाएगा। यहाँ है IN नॉर्टन्स करंट विद अ पैरेलल इम्पीडेंस, यहां मैं इम्पीडेंस ड्रॉ कर रही हूं, यहां R, L, C तीनों आ सकते हैं, ठीक है, ZTH बोल रही हूं मैं इसको। सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो मैं RTH ड्रॉ कर सकती थी, लेकिन यहाँ क्या है, इम्पीडेंस है तो R, L, C का कॉम्बिनेशन है वो। ठीक, तो IN, IN हमारा कितना निकल के आया था, ISC जिसको बोलते हैं,
एंगल -36.86 और ZTH हमारा आया है 50 माइनस जे 25 ओम्स। ये आपके टर्मिनल्स ए एंड बी है।